नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। तो आज के हमारे वीडियो का शीर्षक है कैंसर क्लिनिकल ट्रायल्स। दोस्तों, मुझसे अक्सर पीपल ये पूछते हैं कि जो हमारे देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं यदि उनको कैंसर की बीमारी होती है तो अमेरिका, यूरोप, UK, फॉरेन कंट्रीज में क्यों भागते हैं यदि सारे इलाज हमारी कंट्री में अवेलेबल है। तो हालांकि इसके काफ़ी सारे रीज़न है, जैसे कि उनको प्राइवेसी मिल जाती है, उन्हें इंटरनेशनल एक्सपर्ट से ओपिनियन लेने का मौका मिल जाता है, पर नंबर वन कॉज ऑफ गोइंग अब्रॉड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट कैंसर क्लिनिकल ट्रायल्स में भाग लेने का मौका होता है। तो धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है, आज के ज़माने में इंडिया में भी कई कैंसर की क्लिनिकल ट्रायल्स इनिशिएट हो चुकी है। तो हमारे पेशेंट्स को भी ये जानना जरूरी है कि कैंसर क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होती है और इसे भाग लेने से फायदे और नुकसान क्या है। तो इस वीडियो का पर्पस यही चीज़ें हमारे पेशेंट्स को समझाना है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं? क्लिनिकल ट्रायल्स पेशेंट के इलाज करने का एक स्पेशल तरीका होता है जिससे पेशेंट का भी इलाज बेस्ट पॉसिबल होता है और साइंस की भी एडवांसमेंट होती है ताकि फ्यूचर पेशेंट्स का इलाज आज के इलाज से बेटर हो सके। इस चीज को समझने का बेस्ट तरीका एक एग्जाम्पल है। लेट्स अज्यूम कि इस समय साल 2013 है, मिस्टर अजय गुप्ता एक स्मोकर है, इनकी उम्र 60 साल है, उन्हें खांसी है जो ठीक नहीं हो रही है। वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और चेकअप से पता चलता है कि दरअसल की खांसी का कारण लंग कैंसर है जो कि चौथे स्टेज पे है। चूंकि साल 2013 है, डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनके वाले कैंसर में सिवाय कीमोथेरेपी के कोई इलाज नहीं है और एवरेज लाइफ सिर्फ 8 से 9 महीने है। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर अजय कीमोथेरेपी अंडरगो करते हैं परंतु उससे उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता और ट्यूमर कीमोथेरेपी के बावजूद बढ़ने लग जाता है। मिस्टर अजय अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि अनफॉर्चुनेटली आगे कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकते। परंतु उसी समय मिस्टर अजय को एक क्लिनिकल ट्रायल के बारे में पता चलता है। मिस्टर अजय को बताया जाता है कि एक नई ट्रीटमेंट रिसेंटली डिस्कवर हुई है जिसको बोलते हैं कैंसर इम्यूनोथेरेपी, और साइंस कहता है कि शायद जिस तरह का ट्यूमर मिस्टर अजय में है उसमें इम्यूनोथेरेपी का बेनिफिट काफी अच्छा है। तो मिस्टर अजय को क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि इस ट्रायल के जरिए उन्हें इस इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट का एक्सेस मिल जाएगा जो नॉर्मली मिस्टर अजय इस ट्रीटमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। उन्हें ट्रायल के रिस्क और बेनिफिट समझाए जाते हैं और मिस्टर अजय उस ट्रायल के भागी बन जाते हैं। उन्हें यह भी बताया जाता है कि इस ट्रायल में उनका इलाज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सबकी सरप्राइज से देखा जाता है कि इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट से 3 महीने के अंदर अजय जी का ट्रीटमेंट बिल्कुल गायब हो जाता है और वो कंप्लीट रिमिशन में आ जाते हैं। और सब्सिक्वेंट फॉलोअप जो ट्रायल के अंदर चलता है उसमें देखा जाता है कि सन 2019 में भी वो ट्यूमर वापस नहीं आता। 2019 में अजय जी को पता चलता है कि जो ट्रीटमेंट उनका 2013 में ट्रायल फॉर्म में हुआ था उसका रिजल्ट पब्लिश हो गया है और दुनिया को पता चल गया है कि लंग कैंसर के लिए नई ट्रीटमेंट बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। और ये नई ट्रीटमेंट USFDA, यूरोपियन एसोसिएशन और इंडियन ड्रग कंट्रोलर द्वारा अप्रूव हो गई है और अब नॉर्मल पेशेंट्स भी बिना ट्रायल की जरूरत के इस नई ट्रीटमेंट का फायदा ले सकते हैं और इसे मार्केट से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल क्या होती है। क्लिनिकल ट्रायल एक जरिया है जिससे कि पेशेंट्स नई और एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट एक्सेस कर सकते हैं जिनमें 100% ये नहीं पता कि ट्रीटमेंट उस ट्यूमर में कितना अच्छा काम करेगी। अजय जी को इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करने से बहुत सारे फायदे हुए। नंबर वन, वो एक ऐसे ट्रीटमेंट एक्सेस कर पाए जिसको पाने का 2013 में कोई तरीका नहीं था, परंतु ट्रायल में पार्ट लेने के बजाय एक फ्यूचर की ट्रीटमेंट उनको दी गई जिससे उनको बहुत अच्छा फायदा हुआ। एक सेकेंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट अजय जी को यह हुआ कि क्लिनिकल ट्रायल में उनका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट था। ज्यादातर न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल्स में ट्रीटमेंट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जो एक मेजर इन ट्रायल्स का पेशेंट के लिए बेनिफिट होता है। नंबर 3, अजय जी को यह फायदा हुआ कि ट्रायल में कोई भी जो इलाज उनका हुआ उसका बहुत ही प्रॉपर तरीका और गुड मॉनिटरिंग के साथ इलाज हुआ, क्योंकि सारे ट्रायल्स इंडिया में या US में होती है, किसी बड़ी रेगुलेटरी एजेंसी और गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है जो इंश्योर करती है कि पेशेंट के साथ कुछ बुरा ना हो और ट्रीटमेंट उनका बिल्कुल प्रोटोकॉल के हिसाब से ठीक से हो। और नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, अजय जी और उनके जैसे अन्य पेशेंट के कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से रिसर्च और साइंस आगे बढ़ी और हमें एक नए इफेक्टिव ट्रीटमेंट का
पता चला जो कि फ्यूचर पेशेंट्स को हम दे सकते हैं, और इस तरह लंग कैंसर का इलाज 2013 से 2019 के नई ईरा में आगे मूव हुआ। अजय जी को क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करने से कुछ नुकसान भी था। जब 2013 में अजय जी ने क्लिनिकल ट्रायल में पार्ट लिया तब ये नहीं पता था कि ये नई दवाई काम करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल ड्रग था। बस ये पता था कि इस दवाई के काम करने की पॉसिबिलिटी है, और चूंकि अजय जी के पास बेटर ऑप्शन नहीं थे इसलिए उनको ये ट्रायल में पार्टिसिपेट किया गया। तो क्लिनिकल ट्रायल का एक मेजर नुकसान ये होता है कि एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स में कई बार हालांकि बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, बट कुछ केस में ये हो सकता है कि दवाई काम ना करे या दवाई के साइड इफेक्ट से पेशेंट को सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। परंतु इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल एजेंसीज यूजली ट्रायल्स के ऊपर स्ट्रांग नजर रखती है। एक एथिक्स कमेटी भी होती है जिसमें वो लोग होते हैं जिनका ट्रायल कंडक्टर हॉस्पिटल मेडिकल फील्ड वगैरह से लिमिटेड रिलेशन होता है, ताकि वो इंश्योर कर सके कि किसी भी पेशेंट के साथ ट्रायल में एक्सप्लोइटेशन ना हो या पेशेंट के अधिकारों पे कोई निशान ना पड़े। तो इन जनरल जब भी आपको कोई क्लिनिकल ट्रायल ऑफर किया जाए आपको ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि ट्रायल में यदि आप ना पार्टिसिपेट करें तो आपके पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है और उनसे कितना फायदा आपको है, और ये जरूर इंश्योर करें कि ट्रायल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया और एथिक्स कमिटी के सुपरविजन में ही कंडक्ट की जाती है, क्योंकि जो ट्रायल्स बिना इन कमिटीज के सुपरविजन के की जाती है उनसे डेफिनेटली पेशेंट को खतरा भी हो सकता है। तो बड़े ही केयरफुली आप ट्रायल्स को एग्जामिन करें, और यदि ट्रायल इन मानकों पे खरी उतरती है तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस कहती है कि क्लिनिकल ट्रायल पे कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है, और ज्यादातर वर्ल्ड के बड़े इंस्टीट्यूशंस में मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट किसी ना किसी ट्रायल पे ही अपना ट्रीटमेंट लेते हैं। तो दोस्तों एक फ्रीक्वेंट क्वेरी जो हमारे पास ये आता है वो ये है कि पेशेंट्स अपने कैंसर के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी कैंसर में कोई क्लिनिकल ट्रायल हमारी कंट्री में अवेलेबल है या नहीं है। काफी सारे चैनल्स हैं इस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए, बट ये चैनल्स कई केसेस में कॉम्प्लिकेटेड है जो पेशेंट्स अपनी तरफ से नहीं कर सकते। एक क्लिनिकल ट्रायल जो जीओवी नाम की वेबसाइट होती है जिसमें वर्ल्ड के सारे मेजर क्लिनिकल ट्रायल्स लिस्टेड होते हैं, बट ये वेबसाइट काफी टेक्निकल है जिससे पेशेंट्स कई बार अपने ट्रायल को फाइंड नहीं कर पाते, एक्सेस नहीं कर पाते। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी अच्छे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट करें जो कि आपको गाइड कर सकता है कि आप किस ट्रायल के लिए एलिजिबल है और ये ट्रायल हमारे कंट्री में कहाँ अवेलेबल है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके कैंसर के लिए कोई सूटेबल ट्रायल आपके लिए अवेलेबल है या नहीं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर से और सोशल मीडिया लिंक से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी क्लिनिकल डिटेल्स भेज सकते हैं, और आपको गाइड कर पाएंगे कि कंट्री में आपके लिए कोई सूटेबल ट्रायल है या नहीं। दोस्तों हमारे वीडियो का और हमारे चैनल का पर्पज़ ये है कि जो वर्ल्ड की बेस्ट ट्रीटमेंट्स है वो इंडिया में हमारे कैंसर पेशेंट्स को भी मिलनी चाहिए, एंड इस चैनल के जरिए हम यही इन्फॉर्मेशन हमारे अपने पेशेंट्स तक पहुंचाना चाहते हैं। तो यदि आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। यदि वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ सवाल या डाउट्स हैं तो अगेन स्क्रीन पर डिस्प्लेड लिंक्स के जरिए आप इन सवालों को हम तक भेज सकते हैं, और मैं पर्सनली कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का आंसर जल्द से जल्द मिले। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।